मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री सिंधिया की दहाड़ एक बार फिर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सिंधिया भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिग्गी पर तंज कसा था। ज्योतिराज सिंधिया ने कहा था कि अभी टाइगर जिंदा है, अब सिंधिया ने खुद टाइगर की मांग की है। दरअसल सिंधिया अब अपने क्षेत्र में बाघ बसाने जा रहे हैं। सिंधिया ने उनके पूर्वज के नाम पर शिवपुरी में स्थित माधव नेशनल पार्क में बाघ बाघिन को पुनर्स्थापित करने की मांग की है। वहीं वन्य प्राणी मुख्यालय ने इस पार्क में एक बाघ और एक बाघिन छोड़ने का प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भेज दिया है। मंजूरी मिलने के बाद कान्हा बांधवगढ़ व पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघ और एक बाघिन माधव नेशनल पार्क में भेजे जाएंगे।